तो भैया ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 72 का पहला ड्राफ्ट पेज सामने आ चुका है और इस इमेज में हम देख सकते हैं कि गोकू और वेजिटा पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं किसी पे। अब ये किसी कौन है वो हम सबको पता है, यहाँ पर हमला कर रहे हैं गोकू और वेजिटा ग्रैनोला पर। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो वेजिटा है बिल्कुल उसकी आंखें खुली हुई है, चिल्ला के आगे बढ़ रहा है, उसके आसपास ऑरा है। अब ये सुपर सीएन का ऑरा हो सकता है, सुपर सीएन ब्लू का ऑरा हो सकता है, या फिर कहीं हकाई शिन का भी ऑरा हो सकता है। भाई हमने अभी तक देखा नहीं है कि जो वेजिटा ने लॉर्ड बीरा से ट्रेनिंग पाई है, क्या वो बस एक छोटी छोटी हकाई की ट्रेनिंग थी जो छोटे पत्थरों को मतलब तोड़ने के काम है, या फिर जो बिल्कुल पर्पल पर्पल कलर का जो ऑरा निकलता है हकाइशिंस का वो भी वेजिटा ने सीख लिया है। फिर इसके लेफ्ट में अगर हम देखें तो गोकू हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है लेकिन उसकी आंखें बंद हैं। अब यहां से मुझे इतना पता है कि गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में रहते हुए मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज करने की कोशिश कर रहा है, या फिर हो सकता है कि अभी जो गोकू के रूप है ना ये खुद ही मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट हो। लेकिन पिछले चैप्टर से आपको याद होगा कि व्हिस ने गोकू को साफ साफ बोला है कि तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम अपने नॉर्मल रूप में रहते हुए ही या नॉर्मली या किसी भी में रहते हुए ही तुम्हें तब अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज करना सीखना होगा, और जो तुम्हारा वो एक्सेसिव हीट वाला व्हाइट बाल वाला सिल्वर बाल वाला जो भी वो रूप है उसे तुम एक ट्रम्प कार्ड की तरह यूज करना कि भाई आखिरी में जब कुछ ज्यादा ही बात बिगड़ जाए तब उस चीज का इस्तेमाल करना। तो इस इमेज में भाइयों जो पहला ड्राफ्ट पेज है इसमें हम देख सकते हैं कि गोकू और वेजिटा ने फाइनली ग्रैनोला पर हमला कर दिया है। अब देखो अभी जितना भी कुछ है ये उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है, एलेक के प्लान के हिसाब से। एलेक ने प्लान बनाया कि मैं ग्रैनोला को मरवाऊंगा, एलेक ने प्लान बनाया कि कैसे वो फ्रीजा की गद्दी को अपने पास लेके आएगा, एलेक ने ही प्लान बनाया कि कैसे वो मास्टर जूनो से उन 10 सवालों या जो भी उसने सवाल भेजे थे लिस्ट उनका सवाल का जवाब जान के यूनिवर्स पर अपनी पकड़ को मजबूत करेगा। ये एलेक का ही प्लान है कि आज गोकू और वेजिटा ग्रैनोला से लड़ रहे हैं। लेकिन एक ना एक बार ऐसा होगा जब एलेक का प्लान फेल होगा और उसको फेल करने वाले हमारे हमको पता है गोकू और वेजिटा ही होंगे। लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है ना भाइयों वो बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही कहता हुआ आ रहा हूं कि मुझे ग्रैनोला इविल नहीं लगता है, ग्रैनोला भी बस एक विक्टिम है फ्रीजा ने जो भी पाप किए हैं, फ्रीजा ने जो भी बुराइयां की हैं, जो ये एलेक लोग हीटर्स आर्मी लोग जो कुछ भी अपना षड्यंत्र रच रहे हैं इन सब में बीच में पिसता जा रहा है अपनी फीलिंग्स के दबाव के नीचे दबता हुआ ग्रैनोला। तो वेल अभी के लिए तो जो स्पॉइलर आया है वो इतना ही है, एक छोटी सी इमेज है और इस इमेज में बहुत कुछ कहा है भाइयों, क्योंकि हम जिस चीज को काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं, जिस चीज के लिए कब से हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या होगा जब ग्रैनोला के सामने गोकू और वेजिटा खड़े हो जाएंगे, तो देखो वो होने वाला है अगले चैप्टर 72 में। और 14 मई को ना भाइयों और भी जो पेजेस हैं वो रिलीज होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल बजा दो क्योंकि 14 मई को मैं और स्पॉयलर्स अपलोड करूंगा और 21 मई को पूरा का पूरा वीडियो आएगा जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इतना ज्यादा मजा आने वाला है ना भाइयों, कब से भाई जब से ग्रैनोला का इंट्रोडक्शन हुआ है, जब से हमको पता था कि भाई ग्रैनोला बदला लेना चाहता है फ्रीजा से सैयंस लोगों से, तब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं इस चैप्टर 72 का जब ग्रैनोला खड़ा होगा गोकू और वेजिटा के सामने, तो ये सच में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। और साथ ही साथ आजकल जो हाइप बनी हुई है ना मूवी के रिलीज को लेके भाई, वो तो एक अलग ही टाइप का नशा फैला हुआ है भाई हम सब यूट्यूबर्स में कि भाई एक अलग ही मजा आ रहा है कि चलो एक मूवी आ रही है, मूवी किस बारे में होगी, क्या मूवी कैनन होगी नॉन कैनन होगी, मूवी में कौन सा है वो अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर, कौन आने वाला है, क्या आने वाला है, कुछ भी हो सकता है भाइयों। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा इस पूरे साल में 2021 में खासकर ड्रैगन बॉल को लेके। और अभी ना भाइयों मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाया था, वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लगा, आप सब उसको देखना। उसमें ना मैंने बात की थी कि जो एलेक ने जो मास्टर जूनो से अपने सवाल पूछे है ना, अब उनका वो किस तरीके से फायदा उठा सकता है गोकू और वेजिटा के खिलाफ। एलेक के पास ना भाइयों अब ड्रैगन रेडार आ चुका है उसके हाथ में, और एलेक अब अनलिमिटेड बार ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके लगातार विश पे विश पे विश मांग सकता है, तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है एलेक के पास। तो इसका रिजल्ट क्या होगा ये वाला वीडियो पक्का देखना, ऊपर फ्लैश वे कार्ड में भी आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो अभी के लिए तो बस स्पॉयलर्स में इतना ही है, कमेंट्स में जरूर बताना आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट होगा इस फाइट का, गोकू वेजिटा वर्सेस ग्रैनोला में कौन होगा जो जीतेगा। वैसे तो हम सबको पता है कि भाई जीतने वाले कौन है, ग्रैनोला मुझे यकीन नहीं है अभी भी कि वो गोकू वेजिटा को हरा देगा, बट स्टिल एज अ फैन ड्रैगन बॉल की दुनिया है भाइयों, कुछ भी हो सकता है, कब पासे पलट जाते हैं किसी को पता नहीं चलता, कौन नया ताकतवर बंदा आ जाता है कौन कमजोर हो जाता है कोई आइडिया नहीं रहता किसी को भी, तो इसलिए 100% श्योर तो कोई नहीं हो सकता। तो कमेंट्स में जरूर बताना आपको क्या लगता है इस फाइट के बारे में और चैप्टर 72 के एंड में क्या होगा, क्या फ्रीजा का इंट्रोडक्शन होने वाला है। मुझे तो इंतजार है फ्रीजा की धुलाई हो यार ग्रैनोला के हाथों से, वो डिजर्व करता है साला, ये सारी की सारी पिटाई धुलाई गाली गलौज सब कुछ फ्रीजा ने किया है कांड ये। तो चलो फिर मिलते हैं अगले स्पॉइलर की वीडियो में, स्पॉइलर की वीडियोस के बाद शायद से एक और स्पॉइलर्स की वीडियो आए लेकिन वो मैं शायद ना बनाऊं क्योंकि ना उसमें फिर ज्यादा ही स्पॉइलर्स हो जाते हैं, तो डायरेक्ट उसके बाद हम 21 को बनाएंगे पूरा का पूरा वीडियो जो भी हम एक्सप्लेन करते हैं चैप्टर को। तो मैं मिलूंगा आप सबको उस एक नई स्पॉइलर वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।